हम देखेंगे कि स्टैंड अलॉन डी एन एस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए हमारा डी एन एस सर्वर है और ये डी एन एस सर्वर हमारा स्टैंड अलॉन डी एन एस सर्वर है। इस सर्वर पे हमारे ए डी इंस्टॉल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ए डी इंटीग्रेटेड बनाना चाहेंगे, तो ए डी इंटीग्रेटेड बनाने के लिए हम इसमें ए डी इंस्टॉल करेंगे। तो ऐड रोल्स और फीचर में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन, डीएनएस सर्वर का नाम और आईपी एड्रेस यहाँ पे चूज़ करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऐड फीचर, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। इस तरह से हमारी एडीडीएस इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। तो पहले ये तो डोमेन सर्विसेज डाली जा रही हैं, इसके बाद हम इसको डीएनएस सर्वर कन्फिगर करेंगे इसके अंदर और एडी प्रमोट करेंगे। तो अभी पहले यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रही है एडीडीएस की, डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद हम सर्वर को प्रमोट करेंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर, और डोमेन कंट्रोलर जब प्रमोट करेंगे तो उसी समय हमें डीएनएस को वहाँ पे डेलीगेट कर देना है। तो ये देखिए आपका एडी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसे प्रमोट कर दीजिए एज ए डोमेन कंट्रोलर, तो उस पर क्लिक करेंगे प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे लेंगे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का नाम लिखेंगे इंडिया डॉट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंडिया डॉट कॉम डोमेन को सर्च करेगा। अब देखो फंक्शनल लेवल आ गया, यहाँ पे 2012 ले लेते हैं और यहाँ पे डी एस आर एम मोड का पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखो ये क्या है, डी एन एस सर्वर को भी रिकॉग्नाइज करेगा। देखो लिखा आ रहा है डोमेन कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटीज होगी, डी एन एस सर्वर भी बनेगा, ग्लोबल कैटलॉग बनेगा, ठीक है, ये दोनों काम करेगा। पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डी एन एस डेलीगेशन, ये पहले नहीं आता था। जब आप ए डी डायरेक्ट डालोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी डी एन एस बनाया हो। अब इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, डी एन एस सर्वर को डेलीगेट कर रहे हो, यानी कि आप क्या करोगे, जब ए डी इंस्टॉल करोगे तो एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी सर्विस रिकॉर्ड है वो डी एन एस के अंदर पब्लिश हो जाएंगे इससे। अब यहाँ क्रेडेंशियल डालोगे डेलीगेशन के लिए, तो एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड, ये दोनों यहाँ पे डालने जरूरी है। देखो डीएनएस डेलीगेशन यहाँ पे आपका ऑन हो गया है, आप नेक्स्ट करेंगे, किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आई है हमारी। अब यहाँ डोमेन नेटवर्क उसने पूछ रहा है आपसे, तो इंडिया डॉट कॉम का इंडिया क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे डिफॉल्ट, तो उसका फर्स्ट नेम वो ले लेगा एज ए नेटवर्क नेम, ये देखिए नेक्स्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है इसका इंस्टॉलेशन, ये पाथ हो गया, डेटाबेस का पाथ हो गया, लॉग फाइल्स और सिस्वॉल का पाथ, ये सेम है बिल्कुल, नेक्स्ट करेंगे। प्री रिक्विजिट्स चेक की जा रही है, वेरीफाई होने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए प्री रिक्विजिट्स पास हो गई, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपका डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होने जा रहा है, तो जैसे डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होगा उसके अंदर डीएनएस सर्वर जो है, जब आप ओपन करके देखोगे डीएनएस सर्वर का, तो एडी के सारे सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आएंगे आप, उसमें बहुत सारे फोल्डर बने आपको नज़र आएंगे डीएनएस के, वो सारे एडी इंटीग्रेटेड जोन वाले फोल्डर, तो सारे सर्विस रिकॉर्ड वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, तो आप लॉगिन कीजिए डोमेन से। पासवर्ड भी एक्सपायर कर गया है। देखो हमने एडी इंस्टॉल कर दी है, डीएनएस हमारा पहले से था,
सिस्टम प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखिए आया सिस्टम प्रॉपर्टी, खुल गया। कंप्यूटर नेम हमारा DNS1, फुल कंप्यूटर नेम हमारा DNS1.India.com और डोमेन का नाम हमारा India.com। तो ये देखो तीसरी वाली ऑप्शन जो है India.com, ये भी हमारा आ चुका है, यानी कि वर्क ग्रुप से डोमेन में आ चुका है। टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे DNS सर्वर पे जाएंगे। ये DNS सर्वर ओपन हो जाएगा आपको। फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन, ये दो तरह के जोन है हमारे पास। इसमें जैसे आप जाओगे तो देखो बहुत सारे फोल्डर नजर आ रहे हैं, _MITCS, _site, _TCP, _UDP, ये सब क्या है, फोल्डर्स बने हुए हैं जिनके अंदर सर्विस रिकॉर्ड स्टोर है। AD के सर्विस रिकॉर्ड जैसे कैरब्रोस और KP पासवर्ड, ये पासवर्ड, ये SRV रिकॉर्ड है। देखो SRV लिखा है, SRV रिकॉर्ड होता है सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड, ये क्या करते हैं पर्टिकुलर सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे AD सर्विस जो है हमारे पास, उसका ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो कैरब्रोस है, तो कैरब्रोस पोर्ट नंबर 88 पे काम करता है। तो ये देखो 88 पोर्ट नंबर दिखा रहा है, होस्ट कहाँ पे ये स्टोर है, DNS1.India.com पे, ठीक है। इसी तरह देखो आप अपने सर्वर को देखिए, ये काम कर रहा है, रिवर्स लुकअप भी इसमें काम कर रहा है, इसमें PTR रिकॉर्ड बना है। देखो ये India.com बन गया, यहाँ पे एक स्पेशल जोन बनेगा _MSDCS, इसके अंदर भी देखो DC, डोमेन, GC, PDC, इन सब के सर्विस रिकॉर्ड्स, SRV रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो। और फोल्डर के अंदर उसके सर्विस रिकॉर्ड दिख रहे हैं आप, सारे क्या हैं फोल्डर के अंदर, फोल्डर बने होंगे और उसके अंदर सर्विस रिकॉर्ड क्या होंगे स्टोर होंगे, तो AD तभी आपकी काम कर पाएगी। तो अब ये AD इंटीग्रेटेड जोन है, क्योंकि हमने पहले से DNS कन्फिगर किया था, तो ये प्राइमरी जोन बनाया, अभी AD इंटीग्रेटेड नहीं बनाया, तो इसको AD इंटीग्रेटेड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, India.com पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है टाइप प्राइमरी, इसमें चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे देखो टिक करेंगे स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी। लिखा रहा है डू यू वांट टू दिस जोन बिकम्स AD इंटीग्रेटेड, यस। और यहाँ पे डायनेमिक अपडेट में चूज करेंगे सिक्योर ओनली, क्योंकि AD का है तो सिक्योर ओनली चूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से रिवर्स लुकअप में जोन इन AD, और यहां पे लेना पड़ेगा सिक्योर जोन, डायनेमिक अपडेट सिक्योर ऑन। तो ये बन चुका है AD इंटीग्रेटेड DNS। अब इसको चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, NS लुकअप चलाएंगे। तो यहां देखो एरर दे रहा है, इसके एरर को देखो किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। MCPA.CPL में जाएंगे, जब AD इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास DNS सर्वर की एंट्री क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और वहाँ पे एक लूप बैक एड्रेस क्रिएट हो जाता है अपने आप। उस लूप बैक एड्रेस को हमें हटाना होगा, देखो यहाँ पे लूप बैक एड्रेस क्रिएट हो गया अपने आप, इसको हटाना होगा और वापस से अपने DNS सर्वर का IP लिख देना होगा। अगर आप IPv6 नहीं यूज़ करना चाहते तो उसको आप अनचेक कर दीजिए और ओके कर। तो देखो यहाँ पे इथरनेट 0 के अंदर भी कंप्यूटर का नाम लिख के आ रहा है, डोमेन का नाम India.com। और अब दोबारा से यहाँ पे NSLOOKUP से चेक करते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। CMD में जाएंगे, NSLOOKUP, ये इस बार देखो DNS1.India.com लिख के आ रहा है, IP एड्रेस डाल रहा है,
तो यहाँ पे आप रिजॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ये देखो। फिर यहाँ DNS1 डाल के ऐसे चेक कर लीजिए, फिर यहाँ india.com डाल के चेक कर लीजिए, हर तरह से इसको टेस्ट कर लीजिए कि काम कर रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। यहाँ पे आप सेट टाइप इजिकल टू NS नेम सर्वर देखना चाहते हो india.com, ये देखो ये नेम सर्वर दिख रहा है, यानी कि हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है। SOA रिकॉर्ड देखना है आपको, तो उसके लिए सेट टाइप इजिकल टू SASOA, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो DNS सर्वर था उसे हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते थे AD के साथ, तो हमने AD इंटीग्रेटेड यहाँ पे DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया। हमारा DNS सर्वर सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।